नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। हमारे देश में किसान आंदोलन तेज गति से चल रहा है, लेकिन सरकार एमएसपी जैसी वाजिब मांग को लेकर अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। सरकार किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कई राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो का एमएसपी हमेशा अहम हिस्सा रहा है। अगर वह पावर में आते हैं तो एमएसपी लागू करेंगे, और इससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त भी केंद्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों के इस आंदोलन को 15वां दिन है। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। पंजाब में किसानों ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रोलियां खड़ी की गई है। वहीं हरियाणा में टोल प्लाजों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ किसानों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले भी फूके हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है, लेकिन वे पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में आ रही है और एमएसपी के पूरी तरह समर्थन में है। पूरा देश भी इसके समर्थन में दिख रहा है, लेकिन सरकार तानाशाही कर रही है, अन्नदाताओं पर आंसू गैस और लाठीचार्ज कर रही है तथा उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में पूरे देश में आम आदमी पार्टी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार से एमएसपी लागू करने की मांग के लिए आज यानी कि 27 फरवरी को जिला कलेक्टर कार्यालय बालोतरा के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।